नमस्कार दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा डिमांड करने पर आखिर मैं आपके लिए ले ही आया वो वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। पूरे भारत में जो भी बच्चे बीकॉम पास, प्रोग्राम ऑनर्स, बीबीए, एमबीए या इसी तरह से और कोई भी दूसरे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स भी अगर दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो 2020 एग्जाम देने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, उन सभी के लिए इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस चैप्टर से थ्योरी आती है, अगर थ्योरी आती है तो कौन से क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिकल आता है तो कैसा प्रैक्टिकल आता है, या फिर अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है कौन सा चैप्टर तैयार करना है, कौन सा छोड़ना है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हैंडू ट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर आते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। ये थ्योरी का चैप्टर है और यहाँ से मेनली आपकी थ्योरी ही आती है। 5 से 8 नंबर की आपकी यहाँ पर थ्योरी आती है पेपर में, जिसमें 0 से 1 नंबर का ट्रू फॉल्स भी आ जाता है, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आता है तो 1 नंबर का ट्रू फॉल्स। और 5 से 8 नंबर के यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब जो आपको आंसर लिखने होते हैं। अब देखते हैं इसमें से डेफिनेशन बेस्ड कौन क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो ये है, जैसे पूछ लेगा आपसे पर्सन कौन होता है बताइए, पर्सन 7 तरह के हमारे पर्सन होते हैं, उन सभी 7 तरह के पर्सन के आपने नाम लिखने हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, आपको बस वो नाम लिखने होता है और उसी से आपके पर्सन बन जाते हैं। असेसी कौन होता है, इसकी डेफिनेशन होती है। इनकम आपको बतानी होती है, इनकम के फीचर्स भी आप साथ में बता दें तो बढ़िया रहता है। फिर प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये भी आपको समझाने होते हैं, इनकी डेफिनेशन देनी होती है। इससे स्टेटमेंट्स भी आती है, डेफिनेशन तो आती जाती है, स्टेटमेंट्स भी आती हैं, मतलब एक स्टेटमेंट आ जाती है और आपको उसके ऊपर कमेंट करना होता है। लेकिन आप पहले ये देख लिया करिए किसी भी स्टेटमेंट को कि वो सही है या फिर गलत है, और फिर उसके बाद उसको आप कमेंट किया कीजिए। जैसे एक स्टेटमेंट आती है, एवरी प्रीवियस ईयर वॉज असेसमेंट ईयर एंड एवरी असेसमेंट ईयर विल बी प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर था और हर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होगा। तो ये मैंने इस वाले चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रखी है, वहां पर मैंने ये सब कुछ समझा रखा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फिर एक और स्टेटमेंट आती है, एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। हर असेसी पर्सन है लेकिन हर पर्सन असेसी नहीं होता, तो ये भी मैंने समझा रखा है वहां पर, आप वीडियो से इसको आराम से देख सकते हैं। फिर डिफरेंसेस भी आते हैं, पर्सन और असेसी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये देखने में एक जैसे लगते हैं, इम्पॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन 5 है, प्रीवियस ईयर क्या होता है और इसका असेसमेंट ईयर से क्या डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर बताइए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर बताइए और इसके अपवाद, इसके एक्सेप्शन कौन से हैं, मतलब वो कौन कौन से केसेस हैं जब प्रीवियस ईयर में ही इनकम टैक्स कर ली जाती है। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनकम क्या होती है और उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस, जो सेक्शन बनता है 5 से लेकर 9 तक। ये टोटल 5 से लेकर 10 नंबर तक का पेपर में आता है और इसका 1 नंबर का ट्रू फॉल्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं 5 से लेकर 10 नंबर तक के। स्टेटमेंट भी इससे आती है और वो क्या हो सकती है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब कि टैक्स को लगाना निर्भर करता है किसी भी व्यक्ति के रेजिडेंशियल स्टेटस पे, मतलब पहले ये देखेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और फिर उसके बाद हम उसकी इनकम पर टैक्स लगाएंगे, तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर की, तो वो आप आराम से पूरी देख सकते हैं। इसके मैंने थ्योरी की भी बना रखी है
और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी मैंने इसके वीडियोस बना रखे हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। जो इंडिविजुअल होता है उसका आप रेजिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार पता करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप वीडियो से ही देख सकते हैं। यहाँ तो इतना सब बताना पॉसिबल नहीं है, ये डेज पर डिपेंड करता है कितने दिन तक वो इंडिया में रहा। फिर आता है हाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इज डिटरमाइंड। इसी तरह से HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो ये भी आप वीडियो से देख सकते हैं आराम से, इसका तो और इजी होता है इंडिविजुअल से। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, इन दोनों का। इसके ऊपर देखिए, ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन तो आ गया और फिर इनके ऊपर ना प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी आता है। अब जो इस तरह की स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली हो गया, जहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है प्रैक्टिकल्स के ऊपर, तो इस तरह की स्टेट्स के अंदर तो आपको इस चैप्टर से प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और ये जो इसका प्रैक्टिकल होता है तो ये प्रैक्टिकल भी काफी इजी होता है। दूसरा आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये दो तरह के प्रैक्टिकल यहाँ पर बनते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रैक्टिकल है वो है ये देखने का प्रैक्टिकल कि कोई भी व्यक्ति किस तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस रखता है, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, वो चेक करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका कि ये जिस भी तीन तरह के लोग हैं, इन तीनों तरह के लोगों की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है, तो ये दो तरह के प्रैक्टिकल इसके अंदर बनते हैं। ये आप वीडियो से जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 3 एग्जम्प्टेड इनकम, सेक्शन 10 से लेके 13 तक आते हैं, 1 से 5 नंबर तक इस चैप्टर से बनता है। एक नंबर का ट्रू फॉल्स आ जाता है, बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, लिस्ट आउट 5 इनकम्स विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों इस चैप्टर से ना ये एक ही क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, बार बार रिपीट होता है, 5 ऐसी इनकम बताइए जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि यहाँ इसका आंसर दे देना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट होती है, अगर HUF से आपको रिसिप्ट मिलता है तो अपना हिस्सा मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको आपका हिस्सा मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है, जो कि टैक्स पहले लग चुका है। इसी तरह से अगर जो नॉन रेजिडेंट्स हैं तो उनको कुछ उनकी विशेष इनकम्स है, उन इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह से कोई स्कॉलरशिप मिलती है, कोई इनाम मिल जाता है पुलिस से, किसी NGO वगैरह से या किसी से भी, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। चैप्टर 4 में देखते हैं सैलरी, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बगैर तो इनकम टैक्स बनता ही नहीं है। 3 सेक्शन आते हैं, 15, 16, 17, 10 से लेके 15 तक का ये आता है। अगर आप इनकम टैक्स में बहुत अच्छी वेटेज लेकर पे पास करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप सैलरी ज़रूर तैयार कीजिए। और मैं आपको बता दूँ, आपको सैलरी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत आसान तरीके से सैलरी के कॉन्सेप्ट और इनके प्रैक्टिकल की वीडियो बना रखी है। और अगर आप सैलरी की वो सारी वीडियोस देख लेते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दूँ कि जो सैलरी का क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस उसको थोड़ा सा लेंथी होता है, और एक बार आप उसे अगर पढ़ लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि 8-10 आइटम है वही बार बार रिपीट होती रहती है, जो मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा। तो आप बिल्कुल मत डरिए सैलरी से, और एक बार आप सैलरी पूरा पढ़िए और आप बहुत बढ़िया स्कोर कर लेंगे इनकम टैक्स के पेपर में। इसमें ट्रू फॉल्स भी आ जाता है, फिर डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं 10 से लेकर 15 नंबर तक के। अब देखते हैं जी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, टैक्स प्रोविजंस ऑफ लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी, आप इसके नियम बताइए। इसी तरह से ग्रेचुटी के नियम बताइए, पेंशन के नियम बताइए, और जो प्रोविडेंट फंड है चारों तरह के, आप उनके नियम बताइए। तो अगर यहाँ से वो थ्योरी भी पूछता है तो वो आपसे पूछता है कि रूल्स बताइए इन सब के, तो भाई जब आप इनके रूल्स ऐसे पढ़ेंगे याद करेंगे तो इससे बढ़िया ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकली कर लें, तो प्रैक्टिकल में आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% क्वेश्चन तो ना ये बिना कुछ ज़्यादा टेंशन लिए हो ही जाता है, क्योंकि कुछ आइटम तो ना ऐसी आ जाती हैं क्वेश्चन पेपर में
कि जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ इंटू 12 ही करना होता है। तो ये समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही हो जाता है। तो 6-7 नंबर तो 15 नंबर में से हर कोई ले ही सकता है बिना कुछ करे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई, कैलकुलेशन क्या करने के लिए आता है कि सैलरी बताओ और उसके ऊपर टैक्स बताओ कैलकुलेट करके। अब जब आप सैलरी पढ़ेंगे तो आप इन वाले पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार, लीव सैलरी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, और इसके साथ में डिडक्शंस हैं 80C से लेकर 80U तक। तो डिडक्शन की भी मैंने वीडियो बनाई है, वहां पर आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने समझा रखा है। और इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस भी आपको बता रखे हैं जो पेपर में आती है, आप सिर्फ ये सीखिए। और प्लस फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपसे, ये टैक्स कैलकुलेशन की वीडियो भी मैंने बना रखी है, वहां से भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये सब बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो। फिर आता है आपका चैप्टर 5 हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक इसके अंदर सेक्शन आते हैं। 8 से लेकर 10 नंबर तक का ये आराम से पेपर में आ जाता है, जिसमें ट्रू फॉल्स आ सकता है एक नंबर का, और बाकी 8 से 10 नंबर की थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आता है। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है आप ये बताइए। सेक्शन 27 में डीम्ड ऑनरशिप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन है जिसको मैं बोलता हूँ उस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिए। ये कुछ मालिक होते हैं कि जिनको मालिक मान लिया जाता है, एक्चुअल में ये मालिक होते नहीं है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं जी, यहाँ से इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जिनको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करा जाता, तो ये भी 5-6 इसके पॉइंट बनते हैं और ये इजी है। आप हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो मैंने पूरी बना रखी है, हाँ उसके कॉन्सेप्ट की भी बना रखी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी बना रखी है, आप वहां पर जाइए आराम से देखिए, आपको तो इस टॉपिक से एकदम प्यार ही हो जाएगा, इजी भी बहुत है ये और छोटा भी है। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लें अगर हम, तो इसमें आता है जी कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर इसके ज्यादा ध्यान दीजिए आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आता ही आता है, जो आपको 10 नंबर आराम से दिला देगा। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 6 प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 से लेकर 44 डी तक इसमें आते हैं, और इसमें आ भी सकता है ट्रू फॉल्स एक नंबर का नहीं भी। और जनरली क्या है कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आता तो है पेपर में, लेकिन ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेंथी बहुत है, सैलरी से भी ज्यादा ये लेंथी है और टिपिकल है। और इसको छोड़ने के बाद भी आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो उसको तैयार कर सकता है तो वो उसको तैयार करे, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप कोई एक टॉपिक छोड़ना चाहते हैं जो टिपिकल भी हो और उसके बगैर आपका पेपर भी हो जाए, तो मेरी तरफ से ये PGBP है, आप PGBP पर उसको थोड़ा साइड रख के आप फिर अगर बाकी टॉपिक्स पे ध्यान दें तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो फिर आप ये भी कीजिए, फिर तो आपको ये करना ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास चैप्टर 7, ये है कैपिटल गेन, सेक्शन 45 से लेकर 55A तक। मैं बोलता हूँ कि ये 3 प्रैक्टिकल है जो इनकम टैक्स में आपको बहुत आसानी से पास करा देते हैं, एक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी और तीसरा है ये कैपिटल गेन। तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छे से, ये आसान है और आसानी से आपको पास करा देते हैं बढ़िया नंबर से, 8 से लेकर 10 नंबर तक का ये आ सकता है, और ट्रू फॉल्स आता है इसमें, बाकी डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन इसमें से क्या आ जाती है, कैपिटल एसेट बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एसेट बताइए क्या होती है। फिर इसमें आपको ये भी बताना होता है कि क्या कैपिटल एसेट होती है और क्या क्या नहीं होती है, तो वो दोनों आपको सेट यहाँ पे बताना पड़ता है। कैपिटल गेन बताइए क्या होता है, डेप्रिसिएशन बताइए, ब्लॉक ऑफ एसेट बताइए, सेक्शन 50 भी उसने बहुत बार पूछा हुआ है ब्लॉक ऑफ एसेट का, तो ये इंपॉर्टेंट इसके 4 डेफिनेशन है, ये आप कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आते हैं कि बताइए एग्जम्पशंस कितने तरह की होती है, एग्जम्पशन 54 बताइए उसके अंदर क्या आता है, 54EC बताइए उसमें क्या आता है, 54F बताइए। फिर इसके अलावा इससे देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही आता है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का, कैपिटल गेन की भी मैंने पूरी वीडियोस बना रखे हैं,
हाउस प्रॉपर्टी की भी और इसके प्रैक्टिकल्स की भी। आप वहां पर जाइए और मजे से कैपिटल गेन करिए। ये तो हाउस प्रॉपर्टी से भी छोटा टॉपिक है और ये आपको बहुत ही और सबसे ज्यादा आसानी से ही आपको पास कराएगा। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 56 से लेकर 59 तक इसके अंदर आते हैं। अब ये ज्यादा नंबर का नहीं आता, 5 नंबर तक का जैसे आ जाता है, ट्रू फॉल्स आ गया और या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें कम आते हैं। अब इसने पूछता क्या है, लिस्ट आउट 5 इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये तो बड़ा ही आसान है, 5 तरह की इनकम आपको बतानी है। इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड हो गई, लॉटरी से जीतने वाला पैसा हो गया, कोई गेम वेम खेल ली, पजल आपने, और कोई हॉर्स वगैरह पर पैसे लगाए, घोड़ों की रेस पे, तो वहां से भी हुई आपकी 5 तरह की इनकम जो इसके अंदर आती है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, किसी किसी बुक में तो ये 2 पेज में ही खत्म हो जाता है अगर इसका थोड़ा क्रक्स बनाएंगे, समरी बनाएंगे तो। इस पर ये बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या यहाँ से आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही कम आता है लेकिन है काफी इजी। इसके भी मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है, वहां से भी आप इसकी पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलें, चैप्टर 9 क्लबिंग ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ये आपको अगर इस पर क्वेश्चन बनाना चाहें तो एक से एक बढ़िया टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी, किस स्टेट के अंदर किस तरह का लेवल है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का, जैसे अगर जो SOL वगैरह इस तरह के जो बच्चे होते हैं, NCVAP के बच्चे होते हैं, और अगर कहीं पर किसी स्टेट में इनकम टैक्स में बहुत अच्छा लेवल नहीं रखा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी सिर्फ थ्योरी आती है। 5 से लेकर 8 नंबर का चैप्टर ये आपका बनता है। ट्रू फॉल्स आ सकता है 1 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं 5 से 8 नंबर के, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनकम टैक्स प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम इन केस ऑफ स्पाउस, जो जीवन साथी होता है उसके बारे में क्लबिंग ऑफ इनकम के क्या नियम है वो बताइए, और एक दूसरा आ जाता है कि आपको बताने हैं ये माइनर चाइल्ड के केस में। तो ये 2 ही है इस चैप्टर से, आप ये 2 ही पढ़िए अच्छे से, जीवन साथी और नाबालिग बच्चा, आप बस इन दोनों के प्रोविजंस पढ़िए और यही अल्टरनेट करके पेपर में आते रहते हैं, एक बार ये एक बार वो। आगे चले तो आता है चैप्टर 10 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेक्शन 70 से 80। इसकी भी मैंने वीडियोस बना रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 5 से लेकर 7 नंबर का ये आता है, ट्रू फॉल्स आता है, 5 से 7 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनकम टैक्स प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप कैसे सेटअप करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसके नियम बताइए। इसी तरह से बिजनेस लॉस को आप कैसे सेटअप करेंगे और इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो आप इसके नियम बताइए। सेटअप का मतलब होता है लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करना, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है जब एडजस्ट नहीं हो पाया तो उसको अगले साल के लिए आगे बढ़ा देना। इसी तरह से बताइए कैपिटल लॉस को आप किस तरह से सेटअप करेंगे और किस तरह से आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत बढ़िया और आसानी से ये तैयार हो जाता है, जिसके अंदर आपके ये भी आते हैं कि लॉटरी से जीते, किसी गेम से जीते, हॉर्स रेस से जीते, मेन आपके ये 4 ही हैं। इन 4 को अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 11 डिडक्शन, 80A से लेकर 80U तक। मेन डिडक्शन हमारी 80C से शुरू होती है तो इसलिए कई जगह इसको 80C से 80U लिखा जाता है। 5 से लेकर 7 नंबर तक का ये बनता है, जिसमें 1 नंबर का ट्रू फॉल्स आ जाता है, बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं क्योंकि ये डिडक्शन है, और डिडक्शन है तो इसको ना बाकी जो हमने पीछे वाले 5 हेड देखे तो उनके अंदर इन डिडक्शंस को इस्तेमाल कर लिया जाता है उनके प्रैक्टिकल्स में, और अलग से थ्योरी क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 80C को आप शॉर्ट नोट लिखिए, 80D के बारे में लिखिए, 80E के बारे में लिखिए, 80TTA के बारे में लिखिए, 80Q की बी के बारे में बताइए, 80DD के बारे में बताइए। तो इस तरह से ये कुछ डिडक्शंस हैं जिनके बारे में वो आपसे पूछ लेता है। जितने भी मेन डिडक्शंस हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए, अगर आप सारी डिडक्शंस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इन वाली को तो आप जरूर अच्छे से रट लीजिए, ये आपको पेपर में बहुत मदद करने वाली है। तो दोस्तों ये मैंने एक वीडियो बनाई आपके मांग करने पर, ताकि जो मेरे भाई बहन है, मेरे दोस्त हैं, उनका
थोड़ा सा इनकम टैक्स थोड़ा आसानी से पास हो जाए, बढ़िया नंबर ले आए वो, उनके मार्क्स और बढ़ जाए। तो दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, मेरी विशेष है आपके साथ, आप बहुत बढ़िया स्कोर करें और इनकम टैक्स से आप प्यार करें, यही मेरा पर्पज है कि लोग इनकम टैक्स जैसे पेपर से प्यार करें। तो जितना हो सके बढ़िया से पढ़िए, दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए और इस तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।